बच्चों, इस जगह हम स्पोर्ट्स सेक्शन एंड साइंस लैब्स बनाने वाले हैं। सर सर सर, मैं स्पोर्ट्स सेक्शन और साइंस लैब के लिए जितना भी सामान चाहिए सब डोनेट करूंगा। मेरे पापा के पास बहुत पैसा है। थैंक्स बंटी, लेकिन स्कूल को किसी के डोनेशन की जरूरत नहीं है। सर सर, मैं स्कूल के लिए कुछ करना चाहता हूँ, आप चिंता ना करें, मेरे पापा के पास बहुत पैसा है। भी, तुम क्या दोगे स्कूल को? तुम क्या दे सकते हो? तुम तो उल्टा स्कूल से ही मांगोगे। बंटी, से सॉरी टू वीर नाउ, से सॉरी। लेकिन सर वो तुम इस तरह किसी का मजाक नहीं उड़ा सकते। सॉरी वीर। मेरी वीर का मजाक उड़ाता है, अभी इसे मजा चखाता हूँ। अबरम बगड़म आलम फालम इकड़म तिकड़म दम दमादम। बंटी, सुना है तुम्हारे पापा के पास बहुत पैसा है, मुझे रिपेयर करा दो ना। ये दीवार कैसे बोली? कौन है, कौन है, कौन मजाक कर रहा है? भूत, भूत। कहाँ है भूत? वह दीवार बोलती है। तुम तो डस्टबिन हो, तुम कैसे बोल सकते हो? तुम्हारे पापा के पास बहुत पैसा है, मुझे भी नया बना दो ना। मेरे पापा के पास पैसा नहीं है, सॉरी सॉरी, फिर नहीं कहूँगा। कान पकड़ो और सबके सामने उठक बैठक करते हुए ये बोलते हुए जाओ, समझे? सॉरी सॉरी, मेरे पापा के पास बहुत नहीं है, सॉरी सॉरी। बंटी, तुम्हें अचानक क्या हो गया? सर, दीवार मेरे पीछे पड़ गई है, डस्टबिन मेरे पीछे पड़ गया है, उसे पता चल गया है कि मेरे पापा के पास बहुत पैसा है। बंटी, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम घर जाओ और डॉक्टर से चेकअप करवाओ, जाओ। थैंक यू सर। मेरा ख्याल रखना बंटी। सीमेंटो, ये वीर के स्कूल में सीमेंट मिक्सर में छुपा रहेगा। जब वीर वहाँ आए तो तुम इस रिमोट से सीमेंट मिक्सर चला देना और सीमेंटो बाहर आ जाएगा और सीमेंट फेंक फेंक के वीर को फ्रीज कर देगा। ये क्या कर रहे हो दिम्बक्तू? बॉस बॉस, चेक कर रहा हूँ वहाँ काम करेगा कि नहीं, वरना आपकी बेइज्जती होगी ना बॉस। मियाँ बॉस, मियाँ। शुक्र है ये हीटिंग रेज वाला रिमोट मैंने बना के रखा था। एक सीमेंट मिक्सर तो यहाँ खड़ा है, ये दूसरा किसने मंगवाया? पता नहीं सर, मैं अभी पूछता हूँ। ए, ये सीमेंट मिक्सर किसने मंगवाया? ये मैं लाया हूँ आपके लिए एक तोहफा। इमली, ये तो टिम्बक्टू है, अभी ये क्या लेकर आया है? Thank you.
डुपर जीनियस बॉस। सर बचाओ। ड्रिल सूट ऑन। ड्रिल सूट ऑन। इतनी देर क्यों कर दी आने में? हमें कुछ हो जाता तो? थैंक यू कहने की बजाय तुम उस पर गुस्सा हो रहे हो। तुम कभी सुधरोगे कि नहीं? क्यों अटैक अटैक चिल्ला रहे हो? बॉस बॉस सीमेंटो ने मुझे ही जमा दिया है बॉस। अब क्या करोगे रोबो बॉय? लोगों को बचाते फिरते हो, लेकिन अब खुद को कैसे बचाओगे? बाय रोबो बॉय। सीमेंटो खत्म कर दो इसे। ट्विस्टर सूट ऑन। ट्विस्टर सूट ऑन। बहुत हो गई लड़ाई। नाउ द ग्रैंड फिनाले। हीटिंग रेस ऑन। हीटिंग रेस ऑन। बॉस लगता है दिस इज द एंड। आज आखिर मैं जीत ही गया। बॉस बॉस द एंड वीर का नहीं, आपके सीमेंटो का लग रहा है। वो टूट टूट के बिखर रहा है। वीर अब तुम मेरे हाथों से नहीं बच सकते। थैंक यू रोबो बॉय, तुमने आज हमारे स्कूल को बचा लिया। तुम लोग ऊपर क्या देख रहे हो? वीर
रोबो बॉय आया था। ओह नो, आई मिस्ड हिम। खैर, अगली बार मिल लूंगा। चलो क्लास चलते हैं। बच्चों, फुर्सतगंज में गो कार्ट पार्क खुलने वाला है, जहां गो कार्टिंग होगी, और वो अपने पार्क को प्रमोट करने के लिए एक गो कार्ट रेस रख रहे हैं। जो लोग पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, वो अपना नाम मुझे दे दें। सर, मैं पार्टिसिपेट करूंगा और फर्स्ट भी आऊंगा। मैं अपनी गो कार्ट लाऊंगा। बंटी, गो कार्ट बहुत कॉस्टली होती है, ये कोई मामूली कार नहीं। वो लोग सबको अपनी कार दे रहे हैं। मेरे पापा के पास बहुत पैसा है, वो मुझे नई गो कार्ट खरीद देंगे। ओके ओके, जो बच्चा अपनी गो कार्ट लाना चाहता है वो ला सकता है। सर, मैं और इमली भी गो कार्ट रेस में हिस्सा लेंगे। और कौन कौन पार्टिसिपेट करना चाहता है वो अपने अपने हाथ खड़े करे। मेरे प्यारे पापा, पापा आप ना दुनिया के सबसे अच्छे पापा हो। मैं कितना लकी हूँ कि आप मेरे पापा हैं। अब बोलेगा भी क्या चाहिए या सिर्फ तारीफ ही करता रहेगा। पापा, मुझे गो कार्ट चाहिए। अरे तो जाओ खरीद लो। हाँ? क्या गो कार्ट? पापा प्लीज 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 प्लीज, मेरे अच्छे पापा, प्यारे पापा, प्लीज प्लीज, मैं नई गो कार्ट लेकर गो कार्ट रेस में फर्स्ट आना चाहता हूँ। दिस यंग बॉय वांट्स टू पार्टिसिपेट इन गो कार्ट रेस। उसे डिस्करेज मत कीजिए, उसे गो कार्ट लाके दे दीजिए। वो ओल्ड मैन पहचाना सा लग रहा है ना? लेकिन सर, हमारे गांव में ऐसा नहीं होता, कोई बच्चा इतनी महंगी चीज नहीं मांगता। मैं खुद एक गो कार्ट कंपनी का मालिक हूँ, इसी गो कार्ट रेस के लिए तो मैं आया हूँ। मैं आपके यंग और होनहार बच्चे को नई गो कार्ट दूंगा, लेकिन रेस के बाद आप उसे वापस कर देंगे। थैंक यू अंकल, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो मैं कल गो कार्ट रेस में नई गो कार्ट लेकर आऊंगा। सी यू देयर। वो आदमी टिम्बकटू जैसा लग रहा था ना? यस, यू आर राइट। फिर तो हमें भी एक स्पेशल गो कार्ट तैयार करनी होगी और हर खतरे के लिए तैयार रहना होगा। गो कार्ट में तो एक ही सीट होती है, तुमने दो सीट लगाई है। मुझे मालूम था तुम मेरे बिना रेस में हिस्सा नहीं लोगे। थैंक यू वीर। तो चुलबुल, वीर ने दूसरी सीट मेरे लिए बनाई है। सॉरी दोस्तों, दूसरी सीट इमली के लिए है, उस रेस में तुम दोनों हिस्सा नहीं ले सकते। तुम मुझे हर कॉम्पिटिशन के लिए मना कर देते हो, इस बार मैं नहीं मानूंगा। जिंटू, इस तरह हम नई गो कार्ट उस लड़के बंटी को देकर वीर को रेस में हरा के। उल्लुओं के सरताज, जब गो कार्ट देना ही है तो वीर को रेस में हराने के लिए नहीं, बल्कि वीर को रेस में खत्म करने के लिए दो। म्याऊ, यू आर जीनियस बॉस। शी इज राइट बॉस। मैं तुम्हें हथियारों से भरी हुई गो कार्ट दूंगा और उसे ये हेलमेट भी देना। इस हेलमेट को पहनते ही उस लड़के बंटी का दिमाग तुम्हारे कंट्रोल में आ जाएगा, वो रोबोट जैसा बन जाएगा, और फिर तुम वॉकी वॉकी में उससे जो कहोगे वो वैसा ही करेगा। अब वीर का खेल खत्म और पैसा हजम। इस हेलमेट को पहन लो बंटी, इसे पहन के रेस करोगे तो फर्स्ट आओगे। ये जंटू बिना अपनी ही मर्जी का करता है। सारे स्टूडेंट ध्यान से सुनो, सबको इस ग्राउंड के 5 राउंड्स लगाने हैं, पांचवा राउंड आखिरी राउंड होगा। ओके एवरीबॉडी। Oh!
क्या ये गोकार्ट पास हुई या सिर्फ हवा थी? तेज हवा है सर, गोकार्ट इतनी जल्दी कैसे राउंड लगा सकती है? वो देखिए, अभी तो हाफ राउंड भी खत्म नहीं हुआ। टैगर निकालो और वीर के टायर बस्ट कर दो। टिम्बकटू ने कुछ ना कुछ तो किया होगा। बंटी, वीर को ग्राउंड से बाहर ले जाकर खत्म कर दो। गोकार्ट में लगे वेपन का इस्तेमाल करो। क्या हुआ? हम चार राउंड मार चुके हैं और लोगों ने पहला राउंड भी पूरा नहीं किया है। ऐसे जीते तो सबको शक हो जाएगा कि हमने जादू का इस्तेमाल किया है। चलो कुछ खा पी के आराम कर ले।
बाबा बॉय। यू आर वेलकम इमली। चिंटू उठो उठो, लगता है रेस खत्म हो गई। नहीं, ये कैसे हो सकता है? वीर, तुम लोग कहाँ थे? तुम कैसे हार गए? टिम्बकटू ने बंटी को नई गो कार्ट देकर और वो जादुई हेलमेट पहनाकर रोबोट जैसा बनाकर हम पर अटैक करवा दिया था। हम उसी से बच रहे थे। उसकी इतनी हिम्मत, अभी मजा चखाता हूँ उसे। हे टिम्बकटू, वीर तो बच गया, लेकिन मेरी लेजर से क्या तुम बच पाओगे? ये बोलती भी है बॉस, 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 बचाओ बॉस। टिम्बकटू ये देखो, मेरी स्पेशल बाइक। मैंने इसे नाम दिया है मैड बाइक। इसमें स्पेशल क्या है बॉस? वीर जब इसमें बैठेगा। चाहिए, मैं आपसे बात नहीं करूंगा। इतने साल से मैं आपके लिए काम कर रहा हूँ, आपने मेरे लिए साइकिल तक नहीं बनाई और वीर को आप मोटरसाइकिल बना कर दे रहे हैं। ये क्या हो गया है आपको बॉस? He is right, boss. He is right. आपको क्या हो गया है? ये बाइक वीर को घुमाने के लिए नहीं, उसे खत्म करने के लिए है। ये तुम वीर के घर के सामने छोड़ देना। जब वीर इसमें बैठेगा और दोनों पैर बाइक पे रखेगा इस तरह, तो उसके पैर एक ऐसे मजबूत लोहे के शिकंजे में कस जाएंगे कि वो खुद को छुड़ा नहीं पाएगा, और उसका बदन इस बाइक की सीट में लगी मैग्नेट से पूरी तरह चिपक जाएगा। आई बात समझ में? बॉस बॉस, ये रिमोट किस काम का है? उसी रिमोट को ऑन करके मैं बाइक को खुद कंट्रोल करूंगा, जैसे वीडियो गेम में करते हैं, और वीर को कहीं डेंजरस जगह ले जाके खत्म कर दूंगा। आई एम ग्लैड, वेरी वेरी ग्लैड। मुझे भी वीडियो गेम खेलना बहुत अच्छा लगता है। ये क्या कर रहे हो? बंद करो। अरे मैं कहता हूँ बंद करो। बंद करो। अरे मैं कहता हूँ बंद करो। वीर चलो ना, बाजार से गाजर लेकर आते हैं, भूख लगी है। तुम लोग बाजार जाओ, मेरा चलने का मूड नहीं है। ओ, मुझे भी भूख लगी है। तुम बिना जादू के कुछ नहीं हो, जादू ना हो तो तुम भी भूखे ही रहोगे। ये गलत है, मैं बिना जादू के भी सब कुछ कर सकता हूँ, क्यों इमली? हाँ जिंटू, चाहो तो तुम जरूर कर सकती हो, लेकिन तुम चाहते ही नहीं। अभी की ही बात देखो, भूख लगी थी तो जादू से चाट लिया। ठीक है, देखना आज मैं पूरा दिन बिना जादू के ही सब काम करूंगा। अरे बाइक किसकी है? अरे बहुत अच्छी है, बैठ के देखता हूँ। टारगेट मैचिंग, टारगेट मैचिंग। गेम ऑन व्हील। ये हो क्या रहा है? इमली, ये बाइक नहीं कोई रोबोट है, मैं इसमें मैग्नेट से चिपक गया हूँ। तुम लोग दूर रहना। चिंटू वीर को बचाओ, वो बाइक रोबोट है, वो वीर को पकड़ के ले गए हैं। जल्दी से जादू करो। मैं आज बिना जादू के ही वीर को बचा के दिखाऊंगा। मैं आज साबित कर दूंगा कि बिना जादू के मैं भी सब कुछ कर सकता हूँ। Thank you.
मैं वीर को बचा के ही दिखाऊंगा। जिंटू, मैं दादाजी को फोन लगाती हूँ। रोबो बॉय सूट ऑन। इस तुम्हारी कोई भी लेजर बीम इस मैट बाइक को जरा सा भी नुकसान नहीं पहुंचा सकती। ये लेजर प्रूफ है। दादाजी, वीर इमली ने मुझे फोन पे सब बता दिया है। वो बाइक ऑटो कंट्रोल में है या मैड मैक्स उसे कंट्रोल कर रहा है। उसे किसी तरह मैनुअल कंट्रोल में लाओ। ओके दादाजी। नो, उन बच्चों को किसी तरह बचाना होगा। बाइक बच्चों से टकराएगी तो वीर हर तरफ बदनाम हो जाएगा और वीर के साथ साथ रोबो बॉय का नाम भी खत्म हो जाएगा। जादू का इस्तेमाल करो, वीर को बचाओ। मैंने कहा ना, मैं वीर को बिना जादू के ही बचा के दिखाऊंगा। अब चलो। मैं जेटपैक से उड़ जाता हूँ, शायद बाइक से सीट अलग हो जाए। अब कैसे बचोगे वीर, कैसे बचोगे? ये क्या, हवा में बाइक उड़ती आ रही है, ये कैसे हो सकता है? दादाजी, सामने प्लेन आ रहा है और बाइक मेरे कंट्रोल में बिल्कुल नहीं है। वीर, मैंने तुम्हारे सूट में पैराशूट लगाया हुआ है, उसे इस्तेमाल करो। थैंक यू दादाजी। पैराशूट ऑन। पैराशूट ऑन। बच गया। हेलो वीर, तुम कहाँ हो? ऊपर देखो, मैं रेलवे क्रॉसिंग के पास लैंड करने वाला हूँ। इस बाइक से पीछा छुड़ाने का एक और तरीका दिमाग में आया है। तुम जल्दी से एक मजबूत रस्सी लेकर आओ। जल्दी करो इमली। हाँ। इमली रुको, मैं भी आ रहा हूँ। इमली पीछे देखो, मैं पीछे से आ रहा हूँ। बाइक की स्पीड बहुत तेज है, तुम रस्सी को सड़क पे रख दो, मैं उठा लूंगा। वीर, तुम करना क्या चाह रहे हो? रस्सी को किसी मजबूत जगह फंसा दूंगा तो इतने जोर का झटका लगेगा कि बाइक की सीट उखड़ जाएगी और मैं सीट के साथ बाइक से अलग हो जाऊंगा। चिंटू साइड हो जाओ, वीर आ रहा है। कहाँ है वीर? Thank you.
बाइक मेरे कंट्रोल से निकल गई है। अब वीर उसे कंट्रोल कर सकता है लेकिन रोक नहीं सकता। उसका हैंडल ही कंट्रोल कर सकता है, उसे रोक नहीं सकता। दादाजी बाइक मैनुअल कंट्रोल पे है, अब मैं इसे कंट्रोल कर सकता हूँ। रस्सी को लेजर बीम से काट दो, बाइक को ट्रैक से बाहर लाओ। नहीं दादाजी, इस ट्रैक पे ही बाइक टूट रही है। वीर, तुम ठीक हो ना? हाँ इमली, थैंक यू, तुम ठीक समय पे रस्सी लेकर आ गई। देखो मैंने बिना जादू के वीर को बचा लिया है, अब बोलो क्या जादू करना है।